व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी के बाद से ही लोग नए अल्टरनेटिव के तलाश में हैं, तो आज ये आपकी तलाश पूरी हुई क्योंकि सरकार ने एक चैट एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिक्योर है। इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन दिया गया है और ये एक बढ़िया और बहुत ही सिक्योर है। इसका नाम है संदेश। इस वीडियो में मैं आपको संदेश एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का और इसके यूज करने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप आईफोन यूजर है तो आपको ये एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, लेकिन आप एंड्रॉयड यूजर है तो आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। इसको जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। ये 29 MB का है तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको आप इनेबल कर लेंगे अगर इस तरीके से रहे आपके मोबाइल में। तो यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ डन वाले पे क्लिक करेंगे और ये आपको जो है एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका होगा। हम बैक आते हैं और बैक आने के बाद सिंपली यहाँ पे देखिए ये जिम्स नाम से आपको एंड्रॉयड पे मिलेगा, लेकिन आपको यही एप्लीकेशन अगर आईफोन चलाते हैं तो वहाँ पे आपको संदेश के नाम से मिलेगा। तो जिम्स मतलब हो गया गवर्नमेंट असिस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। तो इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपके सामने में यहाँ पर ओके का ऑप्शन है, इस पर ओके करेंगे, परमिशन के अलाउ कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद आपके सामने में यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये शो होता है। आप मोबाइल से या ईमेल आईडी से इस पर लॉगिन हो सकते हैं। चलिए हम यहाँ मोबाइल नंबर डालते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जिसको आपको वेरीफाई कराना होगा। चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और इतने टाइम तक यहाँ पर देख रहे हैं 3 मिनट का टाइम है, इसके अंदर अंदर में आपको यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। यहाँ देखिए मेरे केस में यहाँ ओटीपी आ चुका है, तो मैं यहाँ ओटीपी डाल देता हूँ 25 08 47। तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही ये आपको यहाँ पे नाम बोल रहा है, तो आप अपना जो भी नाम है वो अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। चलिए मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, इस तरीके से मैं अपना नाम डालूँगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ नेक्स्ट करना है। अब यहाँ जो भी है मेल फीमेल इसको चूज कर लेना, जैसे मैं यहाँ अपना चूज कर लेता हूँ, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद अपना फ़ोटो इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ फोटो वाले पर क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो यहाँ डायरेक्ट कैमरा से क्लिक करके लगा सकते हैं, या गैलरी से, फोटो से, वन ड्राइव से, या जो भी है ऑप्शन है इसमें से आप चूज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ गैलरी से चूज करेंगे और इसमें फ़ोटो मैं ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से जहाँ भी फ़ोटो होगा आपको चूज कर लेना है। यहाँ देखिए फ़ोटो आ चुका है, फ़ोटो को आप इस तरीके से छोटा बड़ा करके इस तरीके से रख सकते हैं और यहाँ क्रॉप वाले पर करके इसको आप यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ लोकेशन बोला अलाउ करने के लिए, तो यहाँ पर अलाउ लोकेशन पर क्लिक करके अपना लोकेशन को यहाँ पर अलाउ कर देंगे। यहाँ देखिए अब यहाँ पर आपका लोकेशन अलाउ हो चुका है, आपका नाम आ चुका है। अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं या सिंक कर सकते हैं, सिंक करने से ये होगा कि जिम्स पे जो भी अकाउंट बनाया होगा सारे के सारे आपके मोबाइल में आ जाएंगे। अगर आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर होगा और जो भी आदमी बनाया होगा इस पे अकाउंट, वो सारे के सारे ये सिंक करने से। तो चलिए हम यहाँ से सिंक वाले पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए कि सिंकिंग कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए कि ये आपका ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे चैट है, चैट आप किसी से कर सकते हैं, यहाँ ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ कॉन्टैक्ट में देख रहे हैं कि इतने पर्सन जो है इस पर आईडी बना रखा है। यहाँ सेटिंग वाले पे जाके यहाँ पे पहले आपको यहाँ ब्रेकअप पर सेटिंग कर लेना है, तो ब्रेकअप वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कोई भी एक फोल्डर इसमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कोई आदमी जो है आपको फोटो, वीडियो, ऑडियो कुछ भेजता है तो आपको इसी फोल्डर में आके स्टोर होगा रहेगा। तो हम यहाँ पर फोल्डर को चूज कर लेते हैं, यहाँ पर इंटरनल और एसडी कार्ड। तो आप इसमें से कोई भी फोल्डर को चूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं A to Z, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। तो आपका जो कोई
फोल्डर पे जो भेजेगा ऑडियो वीडियो या कुछ भी भेजेगा तो आपको इसी में आके सेव होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राजा, इस तरीके से मैं राजा डाल के मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा ये फोल्डर सेव हो चुका है ब्रेकअप फाइल में। तो कोई भी पर्सन जो हमको कुछ भेजेगा तो इसी फाइल में आके ये स्टोर होगा। अब यहाँ पे चैट वाले पे क्लिक करके आप इसमें चैट कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और जिससे भी आप बात करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए टाइप योर मैसेज, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें मैं कुछ भी टाइपिंग कर सकता हूँ इस तरीके से। आप यहाँ पे सेंड वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये चल गया। यहाँ पे इमेजेस वगैरह है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सरकारी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको तो आपको कुछ इस तरीके से इमेजेस मिलेगा। तो आप जो भी इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो जा चुका है। तो इस तरीके से आप इमेजेस भी भेज सकते हैं। यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ देखिए गैलरी से यहाँ फोटो फाइल कैमरा पर क्लिक करके जो डायरेक्ट आप फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, कॉन्टैक्ट ऑडियो, तो इसमें से आप कुछ भी भेज सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करूँगा और मैं कुछ यहाँ पर भेज देता हूँ। इसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ गैलरी में चूज करूँगा और मैं यहाँ से मैं भेज देता हूँ इस तरीके से। ये फोटो एक मैं सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैं भेज दूँगा इस तरीके से। यहाँ पे भेज देना, तो यहाँ पर देखिए आपका फोटो यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट है। जैसे ये चल जाएगा तो यहाँ पे आपको टिक लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है पिक जा चुका है। सो इस तरीके से आप कुछ भी भेज सकते हैं, यहाँ से वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल भी कर सकते हो। तो ऊपर में आपको ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से हम बैक आएंगे, यहाँ ग्रुप है, आप इसमें जाके ग्रुप बना सकते हैं। तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ है न्यू ग्रुप, तो यहाँ न्यू ग्रुप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं कोई पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखिए कि आपको आ चुका है क्रिएट ग्रुप। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रुप वाले पे क्लिक करेंगे और ग्रुप का नाम दे लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राजा, तो इस तरीके से आपको ग्रुप का नाम डाल देना है। डिस्क्रिप्शन में लिख देना, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। इसको यहाँ पे गो वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि आपका ग्रुप यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे आपका नाम आ चुका है राजा हेलो। तो आप कोई भी जो ग्रुप में आप जिसको भी मैसेज वगैरह कीजिएगा और ऐड कीजिएगा वो सारे के सारे आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैसेज जा चुका है। सो इस तरीके से यहाँ पर आप ग्रुप बना सकते हैं। चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके आप किसी के साथ यहाँ पे चैट वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो हाय, तो इस तरीके से मैं हाय लिखूँगा तो उसके पास मैसेज चल जाएगा और जिसके पास भी जाएगा तो वो और आपके बीच में जो बात होगी वो जो है तीसरा कोई भी जान नहीं पाएगा कि क्या बात किया है। तो बस जो आप बात कर रहे हैं, जो पर्सन बात कर रहे हैं, वो आप ही दोनों के बीच में ये बात रहेगा और तीसरा कोई पर्सन इसके बीच में नहीं आ सकता है। तो चलिए हम बैक आते हैं। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे मैं जाने के बाद बता दिया हूँ कि आप यहाँ आपको ब्रेकअप फाइल में आपको स्टोर पर सेव कर लेना है कि आप जो है कोई भी कोई फोटो ऑडियो वीडियो जो कोई भेजेगा तो वो कहाँ पर सेव होगा, वो ब्रेकअप फाइल में आपको यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इन्फो सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और जिस भी शहर और सिटी के जो वेदर मौसम की जानकारी लेना चाहते हैं कि वहाँ पे कितना अभी तापमान है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत ही इजीली उसका जानकारी ले सकते हैं। टाइप मैसेज पे क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वेदर दिल्ली। इस तरीके से डालेंगे और सेंड करेंगे तो यहाँ दिल्ली का तापमान वो तो यहाँ पर देखिए प्लेस दिल्ली टेम्परेचर 30.8 जो है टेम्प। इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वेदर पटना, तो यहाँ पटना का तापमान बता देगा। ओके करेंगे और यहाँ पे जो है पटना का तापमान, यहाँ पे देखिए पटना और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो डालेंगे वेदर, जिस भी सिटी का नाम डालेंगे उसका टेम्परेचर यहाँ पे बता देगा। सो गाइस ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेवरेट एप्लीकेशन है जिससे आप यूज करके बहुत ही फील महसूस करेंगे कि वाकई में व्हाट्सअप से बहुत ही अच्छा है। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम संदेश एप्लीकेशन को यूज करेंगे जो सरकार ने लॉन्च किया है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।